अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का यूसेज होता है, जिसकी वजह से एक फ़ोन को हमें 2 से 3 बार दिन में चार्ज करना पड़ जाता है। और जाहिर सी बात है, हर वक्त चार्जर साथ नहीं होते, हर वक्त हम ऑफिसेज या घरों में नहीं होते कि हम फ़ोन चार्ज पे लगा दें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वी आर ऑन द गो और हमारे पास कोई ना कोई पावर बैंक होता है जो हम कैरी करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ माई फेवरेट पावर बैंक ओवर द ईयर्स। और मैं कोई 5 साल से ये एंकर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस आई हैव यूज्ड सिंस आई गेस 2017। और फिर मैंने अपनी वाइफ को ये दे दिया जो कि अभी भी यूज़ कर रही हैं। दिस आई बॉट व्हेन आई गिफ्टेड दिस टू माई वाइफ आई गेस इन 2020। और 3 साल हो गए ऐसे यूज़ करते हुए। अभी तक मल्टीपल टाइम्स 10,000 mAh के पावर बैंक्स हैं। थोड़े से महंगे हैं चाइनीज़ पावर बैंक से, बट आई गेस दिस गिव्स यू द वैल्यू, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते, लॉन्ग टर्म चलते रहते हैं, फास्ट चार्जिंग देते हैं। और मैं आईफोन सेफली चार्ज कर लेता हूँ इससे दिन में 2 बार, 2.5 टाइम्स टू बी वेरी, अगर बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो 2 कंप्लीट चार्जेस तो ईज़िली हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी हुआ है कि अगर आईफोन 30 से मैंने किया हो तो 2 से 3 बार कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है। तो छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा कि थोड़े बहुत जो टेक में यूज़ करता हूँ वो भी आप लोगों को बताता रहूँ। दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट आई हाईली रिकमेंड। और अगर आप लोगों को पावर बैंक लेना है, आप लोग मार्केट में हैं और आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अवेलेबल पावर बैंक्स में से बेस्ट कौन सा है या कंपनी कौन सी बेस्ट है, तो एंकर आई वुड हाईली रिकमेंड। बाकी मेरा चाइनीज़ पावर बैंक से जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। हो सकता है अच्छे भी हों, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरे होते हैं, बट दिस इज़ अ कंपनी दैट हैज़ बीन विद मी फॉर अराउंड 6 years नाउ एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एंकर पावर बैंक्स। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।